अजमाल जी रा कमरा माता बेड़ा तेरा लाल राड़ी में चल रहा बरबाद। अरे हेलो सोना जी रा माती स्वागत तो मुख्यमंत्री को ही बोलो है अपने जाकर साहब को पढ़ते हो भारत नवलगढ़ एक बार जोरदार मुझे पता चला है हमारे बीच में हम सबके लाडले विधायक श्री विक्रम जी चाकल आ चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर के उनका अभिनंदन करो खड़े होकर के। Thank you.
अजमाल जी रा कमरा माता भेड़ा जेरा लाल राड़ी में चलगा भरवा अरे हेलो अरे हेलो सोना जी रा एक बार जोरदार तालियां Thank you.
आशीर्वाद लेते हुए सभी आप हमारे हमेशा संतों की सम्मान की परंपरा आपके परिवार की परवरिश रही है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान की विधानसभा में लोगों की आवाज को बहुत ही प्रखरता के साथ आप बुलंद कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर राजे प्लीज, ये सभी संतों की ओर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, सामने का स्पेस आप छोड़ते हैं और प्लीज मैं आपसे निवेदन अपने स्थान पर बना दे। सभी से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि प्लीज अपने, मैं मानता हूँ आप में जोश जज्बा और उमंग है और सभी अपने लोकप्रिय विधायक महोदय का जन्मदिन बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाने जा रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अपने स्थान पे आप विराजे जिससे कार्यक्रम की सफलता की ओर हम इस कार्यक्रम को ले जाएं। प्लीज और माननीय विधायक महोदय ने मनसा सिंह हमारे सप्त ऋषि सभी संतों का आशीर्वाद लिया, सम्मान किया और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहले हम बहुत ही भजन सम्राट सभी का स्वागत करें माननीय विधायक महोदय सभी संतों का, उसके बाद में प्लीज एक बार माननीय एमएलए साहब करें एक बार आप। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमारे पधारे हुए संतों का आशीर्वाद हमें लेना है, उनका स्वागत होगा, मेरे पाछे का जो मारा नहीं काम खराब है। तो मैं मुकंदगढ़ शहर में मनीष जी से निवेदन है, वो मंच पे आए, भवन सिंह जी भीमा सरपंच फोरम अध्यक्ष, रूपी जी झूरिया डुल्लो चेयरमैन, जितने भी जनप्रतिनिधि है, मैं कहीं आपका नाम लेना भूल जाऊं उन सुबह मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक कोमला के ऊपर आ जाओ, सारे जनप्रतिनिधि नवलगढ़ विधानसभा के, आप सबका मेरा विशेष आग्रह है कि आप सब मंच पे पधार के पधारे हैं, हमारे संतों का आशीर्वाद ले, संतों का शानदार स्वागत करने का और आशीर्वाद लेने का ये बाबा राम साहब पीर की वजह से हमें एक अवसर मिला है और यहाँ पधारे हुए सभी भक्तगण, भक्तजन जितने भी भजन के प्रति आस्था रखने वाले, मुझे मन से आशीर्वाद देने वाले, नवलगढ़ से कोने कोने से पधारे हुए सभी नौजवान बुजुर्ग मेरी मात्र शक्ति, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप बहुत पीछे दूर दराज तक खड़े हो, आप बीच में पधारिए, आप सबको आगे आकर के भजन समझा का कभी कभी मौका मिलता है, सुना होगा आपने, राग रसोई पागड़ी कदे कदे बढ़ जाए, ये आज मौका है इस दिन का कि ये बाबा राम साहब पीर ने तय किया था मुझे चुनाव में आने से पहले, जब मैं इनकी समाधि पर आकर के रोज वंदन करता था, ये डेट 20 तारीख ये राम साहब पीर की तय की हुई थी, आपका आना सरकार को एक साल होने पूरे, 20 नवंबर एक जन्मदिन का सहयोग और बाबा का प्रसाद, और मैंने आग्रह किया था प्रकाश दास जी महाराज से, हमारे पूज्य संत दिनेश गिरी जी महाराज से कि बाप जी आपको इस कार्यक्रम में बोलो शानदार करो दे तो चमके, और मे टाइम से पहली आशीर्वाद देवा थाने आया रंगा, तो ये सभी संत हमारे क्षेत्र के सभी संत विराजमान है, या ढूंढलो से चेतननाथ जी भी, शैलेंद्रनाथ बाबा भी, हम सब जानते हैं इस बात को कि भजन समझा में जब तक हम धैर्य और मन से हमारे स्वभाव में हमारे विचार में हमारे मन में जब तक भजन की इच्छा नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा, इसलिए शांति से आप सब विराजमान हो जाए। भजन के समय में मैं मेरे विचार बताना चाहूंगा कि हमें किसी की प्रकार की बातें, ये बातें तो रोज हम घर में करते जाते हैं, लेकिन आज भजन का समय है, सारी निंद्रा छोड़कर सिर्फ प्रकाश दास जी महाराज पूज्य संत दिनेश गिरी जी के मुखार से आपको भजन का आनंद लेना है, और काफी कुर्सियां बीच में पड़ी है, आप सब बैठ सकते हो, इधर उधर सारे साइड में खड़े हो आप भी आराम से बैठ सकते हो,
और मैं कह रहा हूं कि आपको सुनो, मंच पे आने के लिए मंच के नजदीक में ध्यान से सुनो आप, मेरी ध्यान से सुनो आप नौजवान साथियों, ये सारा कार्यक्रम आपका है, ये सारा भजन दिया हुआ आपका है और ये विधायक भी आपका ही बनाया हुआ है, इसलिए इस मंच पे ज्यादा कोई कुछ नहीं है, आप शांति से वहीं खड़े रहिए। जब तक अनुशासन नहीं बनाकर रखोगे तब तक ना तो भजन का आनंद आएगा, और 365 दिन आप मेरे साथ अनुशासन से चलोगे तो ये नवलगढ़ विकास की अगले पायदान को पक्का छुएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। मैं आप उम्मीद से कहना चाहूंगा कि आप संतों का सबका एक बार जोरदार तालियां माने विधायक महोदय और सभी संतों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ एक नारा बोलो भाई, बाबा राम साहब पीर की बात माता की जय, वंदे 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 गौ सेवा की, सभी संतों की नौगढ़ की दरा की, सभी देवी देवताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा जोर से मैं मानता हूँ। माननीय विधायक महोदय ने निवेदन किया कि चूंकि हमारा अपना कार्यक्रम आप स्थान में विराजे और माननीय विधायक महोदय और सभी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में सभी संतों का हम स्वागत करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पे विराजे प्लीज, और उसके बाद में माननीय विक्रम जी जाकर साहब, लोकप्रिय लाडले विधायक महोदय के नेतृत्व के सभी हमारे चेयरमैन साहब, सभी हमारे सरपंचगण, सभी हमारे सभी नगर पालिकाओं के पार्षदगण, चेयरमैन साहिबान, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, हम सभी अपने हैं, सभी का नाम हम जानते हैं, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि आप आए और माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में सभी चेयरमैन सरपंच साहब सभी संतों का आप सम्मान करें और सभी का आप आशीर्वाद लें इस खुशहाली के लिए नौलगढ़ की विधानसभा की धरा के लिए। तो माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं हमारे सभी चेयरमैन साहब, सभी सरपंच साहब, और सबसे पहले आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज उस टोंग की तरह, उस निवाई की तरह आप बता रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि दिनेश गिरी जी महाराज का स्वागत करें और उसके बाद में आपका हम स्वागत करें, आपका हम करेंगे। महाराज जी आप तो हमारे लिए मेहमान हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं, और दिनेश जी महाराज का स्वागत माने एमएलए साहब और सभी हमारे चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, सभी सम्मान करें, सभी स्वागत करें, और बाद में मैं प्रकाश जी महाराज का सम्मान और स्वागत करना चाहूंगा। महाराज जी आगे पधारे पधारे प्लीज, ये सामियाना सुंदर व्यवस्था आपके लिए। हाँ माननीय विधायक महोदय, तो मुझे आदेशित किया कि माननीय विधायक महोदय करते हुए सभी का माना जाएगा। हाँ प्रकाश दास जी महाराज ये राजस्थान के कबीर हैं और इनकी आवाज हमारे लिए बहुत ही मुखरित आवाज है और बड़ा जोश और जज्बा नोश नाचने लगे हैं, मैं देख रहा था। और आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज तुम की तरह से आप बोलते कि राम सबीर की इस प्रतीक चिन्ह को आप यहाँ संबलन और ताकत हमें देने आए हैं। जोरदार तालियां आदरणीय भजन सम्राट राजस्थान के कबीर और दादू पंथी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में निवाई टोंग से पधारे हैं। सभी का माला बना के संत सोल उड़ा के प्रतीक चिन्ह देके और ये भगवा रंग रोमन का, ये क्रांति का, ये बदलाव का प्रतीक, और सभी स्वागत करें माने विधायक महोदय हमारे सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज, आदरणीय दिनेश गिरी जी महाराज राजस्थान गो सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और गो सेवा को आप पक्के मन में राजस्थान की शिक्षा पत्ति में आप शामिल कर रहे हैं। आपका स्वागत, आपका स्वागत और अभिनंदन। आगे बढ़ाने वाले और हमेशा और आज अपील
बाद माननीय विधायक महोदय, सभी हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सरपंचगण, हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यगण, सभी के नेतृत्व में सभी संतों का आशीर्वाद, लोकप्रिय लाडले विधायक महोदय, सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी का तालियां बजाएं मैं प्लीज। मैं आपके गो सेवा के लिए आप सभी विधायक घर में जीता देने के आपकी अभिनव हर घर में सामदास जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं माला पहना के, और ये संतो घर वाले हमारे बदलाव का प्रतीक, हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, और माननीय विधायक महोदय के संस्कार ऐसे रहे हैं कि हमेशा गौ पूजा, योग साधना और हमेशा संतों की समाधियों को आप मत्था टेक के आशीर्वाद ले रहे हैं, संत पीरों का आप हमेशा सम्मान करते हैं, और ऐसे हमारे सभी संत यहाँ पधारे हैं, और आप ऐसी एक ऐसी संचालन कर रहे हैं जो सेवा का कि हमेशा एक्सीडेंटल जो गए हैं उनका हमेशा फ्री में आप गोलेना गौशाला में आप इलाज करते हैं, और बाबा राम साहब गौ सेवा के प्रतीक के रूप में ये प्रतीक चिन्ह सभी का आशीर्वाद माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में नौलगढ़ की विधानसभा को मिल रहा है, और ऐसे ही ये संतों का समागम एक सुहानी शाम, एक शाम बेमिसाल ऐसे ही बनी रहे, और सभी संतों का संगलियापति भी पधारे हैं, सभी का सम्मान, सभी का स्वागत और सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। संतों के सम्मान के संगड़े पीठ के हमारे संत महाराज भी पधारे हैं, और युवा संत और शेखावाटी में आपका जाना पहचाना ये हमेशा कार्यक्रम रहा कि मैं हमेशा सनातन को आगे ले जाऊं। ये लोगों का प्रेम है और सभी का आशीर्वाद है, सभी आपका हमेशा इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और माननीय सांगड़ी पीठ के हमारे युवा महाराज साहब का आशीर्वाद ले रहे हैं माननीय विधायक महोदय, और अभी प्रकाश दास जी महाराज को हम सुनेंगे, उसके बाद में माननीय विधायक महोदय का 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे, और केक भी काटेंगे, बहुत ही स्पेशल केक मंगाया गया है जयपुर से कार्यकर्ताओं के द्वारा, टीम जाखड़ साहब के द्वारा, और पहले राजस्थान के कबीर और देश और दुनिया में पहचान बनाने वाले आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज की सुंदर आवाज, ये सुनहरी और दिलों को रंगने वाली आवाज में चमकता चेहरा ऐसे ही आशीर्वाद हमें देता रहे, ये सभी की मांग है कि एक बार एक सुंदर भजन हम प्रकाश दास जी महाराज का सुनेंगे, और उसके बाद में 51 किलो की माला सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, चंद्रशेखर साहब की ओर से, हमारे बारगुर समाज की ओर से, सभी की 51 किलो की माला है वो हम आपसे निवेदन करेंगे विधायक महोदय का सभी, और माननीय अहमद साहब की भी बड़ी डिमांड रहती है कि एक भजन तो हो ही जाए, तो वंस मोर की आवाज आपकी आती रहेगी, और आदरणीय प्रकाश जी महाराज दादू पंथी, और पहले मैं प्रकाश दास जी महाराज आपसे अनुमति चाहूंगा कि दो शब्द दिनेश गिरी जी महाराज का हम सुन लें, और उसके बाद में आपका भजन, तो राजस्थान की गोसेवा की पुकार को पूरे देश और दुनिया की आवाज बनाने वाले युवा संत हमर दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन और स्वागत आदरणीय दिनेश जी। गो माता की, भारत माता की, रामदेव जी महाराज की, सभी संतों की, धन्यवाद। मुझे वेद रचना को माता को प्रणाम करते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, मंच पर विराजमान हमें आशीर्वाद देने पधारे हुए सभी पूज्य संत चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज आप सब नौलगढ़ वासी एक उत्साह के आनंद के उत्सव में शामिल हैं। अपना लोक लाडला नौलगढ़ का माननीय विधायक है श्री विक्रम सिंह जी जाखल के पावन जन्मोत्सव पर आप सब खूब खूब बधाई देवा, अपन खूब खूब शुभकामना देवा,
और गोमाता को आशीर्वाद आपके ऊपर अनवरत दिन दोड़ो रात चौगुण बने रहे। आपको जीवन हजारों साल बेमिसाल बने रहे। अयल की आप गोमाता से भारत माता से प्रार्थना करा है। आज एक जनप्रतिनिधि जगह के जन्म दिवस पर संता के सानिध्य में आप सब जनप्रतिनिधि गणमान्य जना की पावन उपस्थिति में बाबा रामदेव जी महाराज के चरणाम बैठ भव्य आनंद को भजन संध्या को जो उत्सव है ये उत्सव पर जीती आप हृदय की गहराई से माननीय विधायक जी ने आप बधाई दे आशीर्वाद दे तो एक कम है। बंधुओं भगवान श्री राम एक बहुत ही सुंदर वाक्य आपने बताया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काली परखी चारी। जब कोई में विपदा आवे जब धीरज धर्म मित्र और नारी आचार ने परखनु चाहे कि क्या को आपको सहयोग भी संकट के काल में आयो है। एक बहुत ही पर्दे के पीछे और छुपेड़ी बात विक्रम सिंह जी की जो है वह बताने के लिए आज मैं एक तरह को इस जन्मदिवस पर पावन गिफ्ट उपहार ही समझूंगा। आज से नहीं दो पांच साल से नहीं लगभग 20 वर्ष पूर्व 2006-07 की बात होती जब मैं भी छोटा हा शरीर से उम्र से भी और बुद्धि से भी लेकिन गोमाता के प्रति जिसकी सेवा की भावना ही वह हमेशा सही। आज तो समय बहुत बदल गो। आज वह बात बोलूंगो तो आश्चर्य सो लागेगो कि कदे यहाँ भी राजस्थान में होती के कि ट्रेना भर भर कर चार चार पांच पांच हजार गोवंश कतल खाना में कटने के लिए राजस्थान की वीर धरा बोलने से जाया कर तो भाई एक ट्रेन अजमेर से रवाना होकर कतल खाने के लिए जा रही है। मानो सूचना मिली पथमेड़ा महाराज सहित सब संत लोग में लोग गया अजमेर बिको पीछो करो लंबो संघर्ष रहे हो पर भी संघर्ष में हिंदुओं की जिकी सुसुप्त सोएड़ी भावना दबेड़ी ही भी जगाने के लिए अनवरत में फोन करता रहा रे कि कोई आओ में 10-20 लोग भी इतनी बड़ी ट्रेन ने क्या रोक पावांगा। लेकिन भी रात्रि के काल में भी मौत के सामने गो माता की रक्षा करने के लिए जो चुनिंदा लोग कोई आया हा वम से एक नाम माननीय मेरा मित्र विक्रम सिंह जी जाखल को हो जका आपकी पूरी टीम ने लेकर और भी गोमाता की बही हुई ट्रेन ने बचाने के लिए आया। 4,545 भारतीय वेद रक्षणा गोमाता नंदी भगवान की मां प्राणा की रक्षा ही आज मन यह लागे है इन नवलगढ़ के आप सब लोगों के द्वारा अन आशीर्वाद के रूप में गोमाता अन एमएलए बढ़ाया उसे मेरी यहाँ की भावना है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर ही सारी मारे जीवन में तो इससे बड़ी की आपत्ति आ सके है कि 4,000 से अधिक गोवंश कटने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी की आपत्ति आ सके है इससे बड़ी कोई आपत्ति को नहीं आ सके मारे जीवन में। और बीएल की आपत्ति के मायने जको आकर कोई बराबर खड़े हो है बिन ही मित्र बोले है। मैं साधु जरूर बढ़िया हाँ लेकिन मैं चेला कौन बनाया मन बेरो है कि चेला काम डबोई इसलिए कलयुग के मायने में भाईला बनाने की खूब मेरी इच्छा रहे। अरे कि मेरे से कोई संबंध जोड़नो है तो मित्रता को जोड़ो स्नेह को जोड़ो प्यार को जोड़ो और अयाल को संबंध मेरो आज सनी पिछले काफी वर्षा से विक्रम सिंह जी को इसलिए नहीं कि विधायक बनेगा विधायक तो बहुत बाद में बने हैं जब जाने ही नहीं करता ने कोई जैसा ये सखा है मित्र है और मित्र वो ही है जिसकी मित्र की माँ भी माँ हो गोमाता मारी माँ है ये भी गोमाता ने गोमाई से है अयल की पावन भावना से आप्लावित माननीय विधायक जी को पुनः पुनः बार बार आप आज जन्मदिन के पावन उपलक्ष पर खूब खूब अभिवादन स्वागत कर रहा हूँ और आशा अपेक्षा भी रखा हूँ कि 20 वर्ष पूर्व गोमाता की आवाज के लिए गोमाता की रक्षा के लिए आवाज बुलंद ही भैया आज भी सड़क से लेकर और विधानसभा तक गोमाता की रक्षा के लिए आवाज अपन उठानी है। एमएलए को मंत्री को जनप्रतिनिधि को पद बाद में गो भक्त को पद पहली रेवे गो अयाल की अपा पूरी आशा और विश्वास रखा है बंधुओं और
पूज्य प्रकाशनाथ जी महाराज, चेतननाथ जी महाराज, जीतनाथ जी महाराज, सुरेंद्रनाथ जी और हेमंतदास जी, तमाम सब योगी जी, मोहननाथ जी, सब संत आशीर्वाद देने के लिए आज पधारे है और अवसर न चूकनो नहीं चाहे। इसलिए बहुत बात बोले, ज्यादा बोलने तो हो जैसे, लेकिन मौके ने चूकनो भी नहीं चाहिए। इसलिए मन एक अवसर मिल रही है, अवसर को भी लाभ लेने के लिए मैं चूकू बने, क्योंकि माना जी हमें कथा सुनावा, प्रवचन करा ना, कथा सुनने के लिए भक्त लोग आवे, ना भक्ता ने कथा सुना दी, और कोई कार्यक्रम हो तो कोई रसिक आवे, कोई स्नेही जन आवे, पर कोई बात सुना दी, लेकिन माने प्रवचन जिने को वोटरा ने कम ही संयोग मिले है, वोटर जगह है मतदाता, पर कोई भाषण सुनाने को प्रवचन जिने को कम ही संयोग मिले है। आज जन्मदिन है विक्रम सिंह जी को, लिए थी मतदाता बनकर आया हो, वोटर बनकर आया हो, इसलिए वोटरा ने साधु की जगह एक बात है बस सुननी बहुत जरूरी है। अरे आपा आजादी के बाद से लेकर अब तक मतदाता जो एक बहुत भारी षड्यंत्र के मायने फंस रियो है, बिन समझने की आवश्यकता है। भारत माता से लेकर गोमाता तक, मेरी जन्म देने वाली माँ से लेकर मेरी बहन तक की रक्षा सुरक्षा की बात ने अपा तिलांजलि देकर और फरी के चावड़ के मायने आपा बिक्रिया ना, ई भावना से कद तक आपा वोट देता रहेगा। आपने आप भावना क्यों कोने की, मन वोट देना है तो गोमाता की रक्षा के लिए देना है, मन मतदान करनो है तो भारत की रक्षा के लिए करनो है, मन मतदान करनो है तो सनातन हिंदू धर्म अखंड भारत के लिए मन मतदान करनो है। आपने भावना हटे चली गई रहे, ठेका प्रथा वोटरा की जटे से शुरू हुई है, बिको ही वो कारण है कि राम ने काल्पनिक बताने से लेकर और राम मंदिर के निर्माण तक को विरोध करियो जा रहे है, हिंदुओं हिंसक बताया जा रहा है, इसलिए कि बेरो है हिंदुओं को क्या मूल्य है, 5 किलो चावल, 1 कट्टो दाल, बस ज्यादा से ज्यादा कोई नाड़ी को ठेको दे दियो और ज्यादा से ज्यादा कोई और कुछ चाहे तो और लालच देकर माँ बहन बेटी धर्म गाय सब ने काट दियो, बाका वोट मिलता रहे सी। अरे ऐसे निकलो रे, एक यहां की भी जमात हिंदुस्तान में रहे है जगह, तमाम प्रकार का ये लालच जो लोभ है वे लेवे है, सब कुछ लेवे है, लेकिन बन टिकनो खटे है जिसको अच्छी तरह पतो है, पेटी खुल ले तो 00 मिले, ठिकाने से सीधी जाकर तमाम प्रकार का लालच लेकर भी मैं भटक टिक है, आपा लालच लेकर सब कुछ आपा छोड़ दिया, ई बात ना जठे तक नहीं समझांगा तो आने वाली पीढ़ी 5 बार ऊपर नीचे भी अगर होने की बाकी परिस्थिति आवेगी तो कोई अतिशोक्ति नहीं है बंधुओं, और राजनीति की बात नहीं है, और धर्म नीति की बात है। बोले बाबू जी ने राजनीति से की मतलब, अरे माने राजनीति से मतलब को नहीं, माने राजनीति से मतलब को नहीं, माने थारी भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा से मतलब है कि बात सुरक्षित रहे, पूर्व की कल्पना करो भविष्य में भी विपत्ति की स्थिति हो सके। आओ यहाँ के पावन उत्सव पर आज अगर कोई उपहार गिफ्ट अपन माननीय विधायक जी देनु है तो वो वही उपहार हो सके है, वही गिफ्ट हो सके है कि राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, गो माता के लिए सर्वस्व मेरु अर्पण रहोगो, समर्पण रहोगो, अयल की भावना के साथ ही, एकात्मता के साथ, समरसता के साथ, सम्मानता के साथ अपन जीवन जीने की आवश्यकता है। पुनः पुनः एक बार मेरो माननीय विधायक जी ने खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना, आपको जीवन माँ भारती के लिए, आपको जीवन गो माता के लिए यहीं अर्पित रहे, और पूरी नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता के लिए, बच्चा यहाँ का मतदाता है चाहे वह का विरोधी है, सबको कार्य सुख दुख में सागर रहने को आपको कर्तव्य बड़े है, क्योंकि आपा राजा रामचंद्र की परंपरा ने माननीय हाँ, भगवान श्री राम की परंपरा ने माननीय हाँ, जका नीचे से नीचे अंतिम छोर तक भी जो व्यक्ति रह तो विकी भी निषाद से लेकर केवट तक के जीवन की भी चिंता करता, विके भी झोपड़ी के मायने चानण उड़ू चाहे, विके भी चूल्हे पर रोटी बढ़नी चाहे, यहाँ की भगवान श्री राम चिंता करता, पाही राज में
रघुवंश की परंपरा अपन निर्वाणी है, राम राज्य की कल्पना अपन करानी है। एक ने एक से लड़ाकर टुकड़ा कर एक मेरे साग आ जावे, वह आधुनिक राजनीति आजाद भारत की राजनीति अपन कौन करनी, अपना है सब अपना है। अपन रात दिन जाग जाग कर भी व्यक्ति की भी चिंता करनी है, माँ बहन बेटी की अपन चिंता करनी है। अयल को मेरो भाव विचार और आशीर्वाद, माननीय विधायक जी ने उन्हें पूरे खूब जोरदार धन्यवाद। जय गो माता, जय गो माता।